आप सबको लगता होगा कि करण कुंद्रा को खुलेआम आई लव यू सिर्फ तेजस्वी कह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जी हाँ, किसी एक और शख्स ने करण कुंद्रा को ओपनली आई लव यू कह दिया है, और ये कौन से शख्स है ये मैं आपको बताने आ गई हूँ। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि इस वक्त करण कुंद्रा को लेकर हर तरफ बातें हो रही हैं, क्योंकि हाल ही में लॉकअप में करण नजर आए। जब भी जेलर साहब आते हैं तो किसी को उदास कर चले जाते हैं, क्योंकि भाई कोई एक नॉमिनेट हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ कोई एक जो है वो खुश हो जाता है। इस बार जो खुश हुआ है लॉकअप के अंदर वो कौन है वो तो आपको बताऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ बड़ी शॉकिंगली उन्होंने दुनिया के सामने कह दिया है दैट के करण कुंद्रा आई लव यू। जी हाँ, कौन है ये? वेल, ये है और कोई नहीं बल्कि मुनावर फारूकी। मुनावर इस वक्त लॉकअप के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट बनकर उभर कर सामने आ रहे हैं। कई लोगों को मुनावर का गेम पसंद आ रहा है, मुनावर पसंद आ रहे हैं, एंड जिस तरीके का उनका ओवरऑल पर्सोना है वो पसंद आ रहा है। ऐसे में देखिए, ट्विटर पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। देखा आपने किस तरीके से मुनावर ने साफ कर दिया है और दिल से कह रहे हैं के भाई, हमारे जेलर साहब, हमारे करण कुंद्रा भाई, आई लव यू। देखिए, मुनावर को ऑप्शन दिया गया था कि उनके घर से आया हुआ एक तो उन्हें खाना मिलेगा और दूसरा उनके घर से आया हुआ एक लेटर होगा जो कि उनकी बहन ने लिखा था, लेकिन इसके बदले एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि करणवीर बोहरा जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे। और मुनावर ने काफी सोच विचार के बाद इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। जी हाँ, और उन्होंने करणवीर को नॉमिनेट करते हुए सीधा सीधा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, खाना भी एक्सेप्ट कर लिया, जो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि मुनावर के आगे काफी कुछ जो है टेबल पर यहाँ पर रखा हुआ है। जी हाँ, आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल पर बहुत कुछ खाना जो है वो रखा है और हाथ में मुनावर के लेटर है जो उनकी बहन का भेजा हुआ लेटर है। अब ऐसे में इसके बदले करणवीर कहीं ना कहीं नॉमिनेट हो गए हैं, जिसकी वजह से करणवीर अपसेट भी हैं, जिस पर बाद में मुनावर जाकर उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, देख तेरा नाराज होना जायज है, बट एक बात याद रख, इसका फायदा दूसरे लोगों को मत उठाने दे। जी हाँ, यानी कि जो भी है वो हम हमारे बीच में रखेंगे, तो मुझसे नाराज है जायज है तेरा नाराज होना, लेकिन इसका फायदा किसी तीसरे को नहीं उठाने देना है। वेल, आपको क्या है कहना करण कुंद्रा के स्वीट जेस्चर पर, जिसके लिए मुनावर इस वक्त काफी ज्यादा खुश है? बताइएगा जरूर हमें कमेंट सेक्शन में।